एक बार हो जाए हर हर महादेव। ये इस जगह पे है हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का जाना था कुल्डिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन यहाँ पर आए परमिशन के लिए, परमिशन अभी नहीं दे रहे। जो लोग ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं उन लोगों को ही परमिशन है जाने के लिए, इसीलिए हम लोग प्लान किए पंचलिंगेश्वर टेम्पल चले जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके टर्न लेंगे तो आ जाएगा पंचलिंगेश्वर, और थोड़ा सा यहाँ से शायद 5-6 किलोमीटर दूर है। और आप अगर कुल्डिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आना चाहते हैं तो पहले से ऑनलाइन में बुक करके आइए, नहीं तो यहाँ पर आएंगे तो आपका पॉपआउट हो जाएगा जैसे हम लोगों का हुआ अभी, और पूरा मूड खराब हो गया। एक्चुअली जाना था हम लोगों को कुल्डिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन हम लोग जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी ऑनलाइन बुक करके भी आपको आएंगे दिखाएंगे। और अभी चलते हैं पंचलिंगेश्वर टेम्पल, और पंचलिंगेश्वर टेम्पल का कुछ नज़ारा आपको दिखाते हैं। और भगवान शिव जी का वहाँ पर टेम्पल है, शिव जी का आपको दर्शन भी करवा देंगे, और भी छोटा छोटा सा मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, ये सब है, और खूबसूरत नज़ारा है। तो मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ जा रहे हैं मेरा दोस्त और उसका बहन, और हम लोग जा रहे हैं पंचलिंगेश्वर टेम्पल। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और खूबसूरत नज़ारों का मजा लीजिए। अभी थोड़ा सा यहाँ पर लोकेशन अच्छा है ना, थोड़ा सा एक दो रील्स बना देते हैं। अभी देखिए हम पेट्रोल पंप में पहुँच गए हैं जो शेरगढ़ के पास है, आसम पेट्रोल पंप। अभी थोड़ा पेट्रोल भरवा के निकलेंगे। यहाँ से खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अभी गाड़ी चल रहा है हमारा, थोड़ा सा रास्ता अपडाउन है, नई स्पीड में अभी चल रहा है, ताकि और भी टाइम लगेगा हम लोगों को, ऑलमोस्ट और भी आधा घंटा तक लगेगा। अभी हम लोग नीलगिरी गुंडीचा मंदिर के सामने ही है, और सीधा जाएंगे तो नीलगिरी जगन्नाथ टेम्पल, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो यहाँ से हम लोगों को लेफ्ट साइड जाना होगा। अभी स्टार्ट हो रहा है पंचलिंगेश्वर रोड, और ये लिखा है वेलकम टू पंचलिंगेश्वर, ताकि आप सीधा जाएंगे तो खुमकुट डैम आएगा। ताकि चलते हम लोग पंचलिंगेश्वर रोड की तरफ, ताकि यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं, ताकि हम लोग जाने वाले हैं पहाड़ के ऊपर। मेरा दोस्त गाड़ी कैसे चला रहा है, खूबसूरत है पहाड़ों का नज़ारा। भाई साहब नज़ारा देख सकते हैं, थोड़ा सा बारिश का माहौल हो चुका है अभी, ताकि चलते हैं अभी ऊपर तक। फ्रेंड्स देखिए, हम अभी चल रहे पंचलिंगेश्वर, पहुंच गए पार्किंग में, रखेंगे, चलिए पार्किंग में रख लेते हैं। बाइक रख रहे हैं, तो अभी यहाँ पर बाइक रखना होगा, पार्किंग है अभी, पार्किंग शायद पर डे 10 रुपीज करके अभी ऊपर जाना है हम लोगों को। यहाँ से हम लोगों को पैदल ही जाना होगा, गाड़ी रखने का ये पार्किंग है, ताकि पार्किंग के लिए 10 रुपीज बाइक के लिए, और फोर व्हीलर के लिए 20 रुपीज, और हेलमेट जो रखना चाहते हैं वो 5 रुपीज करके। हेलमेट का पैसा 5 रुपीज शायद चलेगा, नहीं तो आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ से पूजा सामग्री लेके जा सकते हैं वहाँ पर पूजा करने के लिए, ताकि ये सब दोनों साइड में दुकान है। बाकी नज़ारा देख सकते हैं पूरा जंगल के बीचों बीच, दोस्त चल नहीं पा रहे, थोड़ा सा मोटा है ना इसीलिए। फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गेट के पास, अभी चल रहा है श्रावण का महीना, इसलिए सब कांवड़ी लोगों के लिए सब कुछ तैयार किया गया है, सब बंदोबस्त सब कुछ है, ताकि ऊपर तक हम लोग का आने का हालत ख़राब हो गया। तो अभी सीढ़ी से ऊपर जाना होगा, और यहाँ पर जो सीढ़ी है 352 सीढ़ी ऊपर चढ़ कर जाना होगा, अभी पूरा भगवान शिव जी ऊपर है। एक बार हो जाए हर हर महादेव। तो अभी चलो ऊपर चढ़ते, यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल। तो अभी इतने दूर हम लोग आए,
बाकी यहाँ पर छोटा छोटा ये सब बना हुआ है, आप यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। बाकी और भी ऊपर जाना होगा, 352 सीढ़ी है भाई साहब, आप नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, बाकी यहाँ पर छोटा छोटा वाटरफॉल्स है, बाकी थोड़ा सा बारिश आना शुरू हो गया है इसलिए थोड़ा सा रुक गए हम लोग, और थोड़ा सा ही ऊपर है बस, ये सीढ़ी पार होने में ही आ जाएगा। बाकी यहाँ से छोटा छोटा वाटरफॉल शुरू हो गया है, अभी चलते हैं ऊपर, कौन सा मंदिर है एक देखना पड़ेगा। तो मेरा दोस्त का हालत खराब हो गया है, और भी बाकी है, तो आ गए, पहुंच गए, ऑलमोस्ट पहुंच गए, ऑलमोस्ट पहुंच गए। तो फाइनली अभी पहुंच चुके हैं पंचलिंगेश्वर मंदिर, चलते हैं अभी जो असल जो मंदिर है वो आपको दिखाते। तो ये कुछ मंदिर का आसपास का नज़ारा, और यहाँ पर हनुमान जी का मूर्ति है। चलते हैं अभी नीचे, और यहाँ से आप प्रसाद लेके पूजा दे सकते हैं, और यहाँ पर हनुमान जी का एक मूर्ति है, जय बजरंग वाली, जय श्री राम। तो आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो पूजा करना है तो यहीं से यहाँ पर कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। मेन चीज़ जो है यहाँ का जो पंचलिंगेश्वर है, तो जस्ट पूजा होता है, लेकिन मेन शिवलिंग वहाँ पर है, पांच लिंग है। और अभी जाते हैं हम लोग वहाँ पर, थोड़ा सा हाथ लेके आते हैं, क्योंकि आप लोग अगर दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, मेन जो पांच शिवलिंग है वहाँ पर है। देख के देना भैया, मेन जो शिवलिंग है इस जगह पे है, आप अगर यहाँ पर आ रहे हो एक बार यहाँ पर स्पर्श कीजिए, जो पूजा देना है वहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी बारिश देखो, जोर शोर बारिश हो रहा है, हम लोग भीग रहे हैं, कि वहाँ पर चलते हैं तिरपाल के नीचे। ऐसा बारिश देखिए, बहुत जोर बारिश हो गया, थोड़ा सा बारिश हुआ लेकिन थोड़ा सा कम हो गया अभी, ताकि बारिश में पहाड़ और जंगल का मज़ा और भी ग्रीनरी जो है फुट फुट के आएगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग बताएं आप लोगों को जंगल, बारिश में जंगल और पहाड़ों का नज़ारा कैसा लगता है, वो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू। तो यहाँ पर चप्पल रख के जाना होगा, ताकि यहाँ से आप नज़ारा देखिए, ये देखिए खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। देखिए हम लोग 352 सीढ़ी चढ़ के अभी ऊपर आए, और भी जाने वाले देखते हैं जंगल की तरफ जा सकते हैं, परमिशन है या नहीं, जाएंगे तो आपको दिखाएंगे जरूर। अभी जा रहे हैं, यहाँ पर राम सीता मंदिर है और उसके साइड में जंगल है, यहाँ पर आना परमिशन नहीं है, देखिए यहाँ पर लिखा है नो एंट्री इनसाइड, इसलिए थोड़ा सा हम लोग परमिशन लेके आए। आप लोगों को भी बोल रहा हूँ परमिशन बिना आइए मत, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा परमिशन लेके आए इसीलिए इस साइड में आए, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं अभी, छोटा सा रास्ता है, और यहाँ पर राम सीता मंदिर है। अभी चलते हैं जंगल की तरफ, ताकि हम लोगों को देख के जाना होगा, क्योंकि वो लोग बोले हाथी भी आ सकता है। देखिए जंगल की तरफ जा रहे हैं अभी भाई, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, देखिए बारिश के लिए ग्रीनरी पूरा डबल हो गया है, देखिए थोड़ा सा फिसला नहीं है, जो पत्थर है ना फिसल रहा है पैर, देखिए थोड़ा सा देख के जाना होगा। खूबसूरत नज़ारों के साथ, बाकी वहाँ पर एक माँ दुर्गा की मंदिर है, वहाँ पर नहीं जा रहे क्योंकि ये लोग बताए अभी हाथी भी आ सकता है, बारिश का टाइम है ना, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे, यहाँ तक ही जा रहे, बाकी यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं। तो जंगल के अंदर गर्मी, उमस टाइप का गर्मी है, अभी चलते हैं नीचे की तरफ, ताकि यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं आसपास का।
पूरा जंगल में घिरा हुआ है पहाड़ों के ऊपर। यहाँ पर कुछ उड़िया में रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है, जो जंगली जानवर है वो सब। तो यहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता जी का टेम्पल है ये। अभी थोड़ा सा काम हो रहा है, चलते हैं। फिसलन हो गया है बारिश की वजह से, उसको देख के जाना होगा। ले अभी निकलते हैं हम लोग बालेश्वर की तरफ, ताकि ये कुछ पंचलिंगेश्वर टेंपल का एरिया देख सकते हैं। वहाँ पर हम लोग गए थे, वीडियो में आप देखे होंगे। बाकी नीचे चलते हैं अभी। अभी 352 सीढ़ी नीचे भी जाना है हम लोगों को। तो अभी तो सीढ़ी हो गया है, नया नया हुआ है, लेकिन पहले ये पूरा पत्थर था। लोग भी जो ब्राह्मण लोग है पूजा करने जाते हैं, वो सब पत्थर ऊपर से चढ़ के ही जाते हैं। अभी तो सीढ़ी हो गया है, इजी हो गया है। ये पूरा पत्थर काट काट के ये सीढ़ी बनाया गया है, ताकि डेवलप हो रहा है आस्ते आस्ते। और भी टाइम लगेगा। नज़ारा आप देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारा यार। और बारिश में मज़ा तो दोगुना हो गया है। तो यहाँ पर आप बैठ भी सकते हो और यहाँ से खूबसूरत नज़ारा का मजा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर छोटा सा वाटरफॉल्स, ये भी बड़ा वाटरफॉल था, लेकिन यहाँ पर सब बैठ सकते हैं आप, ताकि अभी तो बारिश हुआ है, थोड़ा सा भीग गया है, गीला हो गया है। बाकी पानी जो है, अरे बाप रे, बहुत ठंडा है। बाकी पानी पूरा नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं, आपको आते वक्त टीका लगा देंगे, जाते वक्त भी लगा सकते हैं, हम लोग आके थोड़ा सा लगाए। तो यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं। इस नीचे चलते हैं अभी, और भी सीढ़ी है, सीढ़ी का मजा लगता है। उतरने का टाइम में दिक्कत कोई नहीं है, उतरने का टाइम में दिक्कत नहीं है, बाकी चढ़ने में हालत खराब हो जाएगा। ये तो कुछ नहीं है, हम लोग का जो कपिलास भोलेनाथ जी है ऊपर, कपिलास टेम्पल में आप जाएंगे तो वो कपिलास टेम्पल ओडिशा का शायद ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में है कपिलास टेम्पल। वहाँ पर जो सीढ़ी है वो 1000 कितना सीढ़ी है, 1352 सीढ़ी। ताकि वहाँ पर चढ़ना तो हालत खराब हो जाएगा, हम लोग तो चढ़ ही नहीं पाएंगे। जो बुजुर्ग लोग तो उनका तो बात ही कुछ अलग बन गया है। गाड़ी भी जा सकता है उधर, अभी रास्ता बन गया है उधर, अभी रास्ता तो बन चुका है। ताकि नीचे चलते हैं, अभी निकलते घर की तरफ। और सर यहाँ पर बहुत कुछ सामान है, आप अगर यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ पर शॉपिंग करके भी ले सकते हैं घर के लिए। ताकि यहाँ पर पंचलिंगेश्वर का जो मेन शिवलिंग है उसका फोटो भी है। तो मेरा दोस्त अभी ये ले रहा है, जो कछुआ रहता है इसमें पानी दिया जाता है, वो घर में रखने में घर में रखेंगे तो बहुत शुभ है, इसीलिए वो ले रहा है। तो इसका प्राइस है 100 रुपीज़ 120 है, ताकि हम लोगों के लिए आप बार्गेनिंग कर सकते हो 100 रुपीज़ है। ये था कुछ हमारा बालेश्वर का सबसे ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस पंचलिंगेश्वर टेम्पल। बाकी खूबसूरत नज़ारा ये देख सकते हैं। बाकी ये था कुछ छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो थैंक यू, बाय।